गाने का बंदोबस्त किया था, हम बहुत थक गए हैं। महाराज जरूर जरूर आज भगवान जी को बुलाओ। छुट्टी पर है। छुट्टी पर किस लिए? बच्चा होने वाला है ना। बच्चे का बाप कैसी बात कर रहे मंत्री जी? मैं बच्चे का बाप नहीं है। नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा करो जो वो चाइना से आई है ना उसको बुलाओ। ना तो खोदा गया ना भरा गया। अच्छा? एक करोड़ मेरी जेब में।
मंत्री जी कितने महान हो हमारा हिस्सा स्विस बैंक में करा दिया है अजय मंत्री जी हमें अपने राज्य की छवि को बनाए रखने के लिए ऐसे गुरु ईमानदार कर्मचारी की आवश्यकता है थैंक यू कौन है ये किसका कैसा शोर है मंत्री जी हाँ जी ऐसा करो हाँ जी बकरी मर गई ना बकरी को पकड़ कर लाओ बकरी को महाराज बकरी तो मर गई है बकरी तो मर गई हमें न्याय कर रहा है ले आओ हम जब तक बकरी गवाही नहीं देगी तो हम न्याय कैसे करेंगे बकरी को पकड़ कर लाओ महाराज मरी हुई बकरी को कैसे लाओ कैसे लाओ गाड़ी में लाओ एम्बुलेंस में लाओ पीपी में लाओ कैसे में लाओ हमें न्याय करना है महाराज अगर बकरी आ भी गई तो बोलेगी कैसे बकरी आ भी गई तो बोलेगी कैसे अरे नहीं बोले तो लिख के बता देगी महाराज बकरी कैसे लिखेगी क्यों बकरी पढ़ी लिख रही है क्या अरे मंत्री जी एक बात बताओ तू मुझे हमने पूरे राज्य में 1100 सरकारी स्कूल खुलवाए हैं और तुम एक बकरी को पढ़ना लिखना नहीं सिखा पाए कैसे लिख सकती है महाराज वो बकरी मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई क्या ऐसा बोलो ना कि बकरी मर गई ठीक है दीवार को तोड़ कर ले आओ महाराज बकरी कैसे आ सकती है वो तो गूंगी है ना महाराज दीवार की बात करते हैं दीवार की महाराज दीवार को कैसे लाओ इस मूर्ख राजा को कैसे दीवार को कैसे लाओ दीवार अभी तक दीवार आई नहीं नहीं कैसे लाओ हो कैसे लाओ हर दीवार चलेगा पनीर कच्ची की दीवार है क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है कैसे लाओ महाराज दीवार एक जगह फिक्स होती है उसको कैसे लाऊं दीवार फिक्स होती है क्या दीवार फिक्स होती है ठीक है कल्लू बनियो बनिया हाँ कल्लू बनियो सब्जी के धनी है पुदीने की औलाद अबे तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई जो उसकी बकरी तेरी दीवार पे जाके मर गई अरे बकरी नहीं महाराज बकरी नहीं बकरी 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 कोई बकरी बकरी तेरी दीवार पे जाके मर गई महाराज इसमें तेरा कोई तो झूठ कौन है अबे तो किसका कसूर है यो तो सारा कारीगर का है उसने कच्ची दीवार बना दी और उसकी बकरी कारीगर का है मिलाई
ये कारीगर ने कच्ची दीवार बनाई और उसकी बेचारी बकरी उसके नीचे आके मर गई। महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ना मेरा कसूर है, कसूर नहीं है, किसका कसूर है बेटा? साई ने मस्त कितनी बड़ी बना दी, उसमें पानी ज्यादा आ गया और सारा चूने में जल गया। मेरा कसूर नहीं है, साई का कसूर है। इसका भी कसूर नहीं है, कसाई का कसूर है। कसाई का है जी। तो इसको लेके जाओ और कसाई को लेके जाओ। नहीं रह सकता। अभी सिर्फ कोई ना कोई फांसी पर चढ़ेगा करेगा।
मंत्री जी तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल क्या? तुम्हारी गर्दन भी मोटी है। तेरे नाम से हम सड़कें बनवा देंगे, अरे स्कूल बनवा देंगे, यूनिवर्सिटीज बना देंगे, और तो और मनरेगा का नाम भी तेरे नाम पर रख देंगे। अबे और चाहता क्या तू आम आदमी? अरे महाराज सुनिए ना। क्या सुनो? देखिए सुनिए राहुल, मैं हर 3 महीने में ब्लड देता हूँ, पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देता, राशन की लाइन में लगता हूँ। और महाराज देखो मुझे ना दारू पीने का बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं पीता, नहीं पीता, लेकिन पीनी पड़ती है महाराज, रोज 2 बोतल पीनी पड़ती है ताकि आपके राज्य की अर्थव्यवस्था बनी रहे और इन जैसे सरकारी कर्मचारियों को टाइम पे वेतन मिल सके। इसलिए देखिए महाराज कितने काम का हूँ मैं, मुझे नहीं मरना महाराज, मुझे माफ कर दो। लेके जाओ बेटा, चलो 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 अरे आप वो मीटिंग करते रहेंगे या मेरा मीटिंग आउट जाएगा? अरे गुरु जी ये मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, कह रहे हैं फांसी का फंदा तेरी गर्दन में फिट आ गया इसलिए चढ़ाएंगे। अरे गुरुजी यही तो गलती हो गई, मैंने आपका कहा नहीं माना इसीलिए मुझे सजा मिल रही है। गुरुजी मुझे बता लो तो आगे बता लो। जी मेरी बात सुन। हाँ सुनाइए। काम करते ठीक है, बस जो कहो उसके अमल कर रहे हैं। ओके हाँ सुन लो,
अरे वाह, अरे मजा आ गया, क्या बात है गुरु जी, अरे आप तो महान हो गुरु जी, त्रिकाल दर्शी हो, कमाल कर दिया आपने तो। अरे मंत्री के बच्चे इधर आ गया, मुझे फांसी में चढ़ा, फांसी में चढ़ा, हाँ फांसी में चढ़ा महाराज। अरे जल्दी कर यार, टाइम वेस्ट मत कर, एक मिनट रुक। अरे फुर्सत नहीं है भैया, जल्दी चढ़ा। अबे राज, अभी तो ये कह रहा था मत चढ़ाओ मत चढ़ाओ, अभी कह रहा चढ़ाओ चढ़ाओ, टाइम चला जाएगा। अरे समय बीत जाएगा भैया, बड़ है फांसी में कह रहा चढ़ा लेने के लिए। हां खुद ही कह रहा है जी, ये बात बात बस बस, अभी तो तू कह रहा था मत चढ़ाओ मत चढ़ाओ, अभी कह रहा चढ़ाओ चढ़ाओ, क्या है चक्कर? कुछ नहीं है, मुझे फांसी में चढ़ाओ बस। बताना, अरे बता यार, तुम काम के आदमी नहीं हो, ये जो नेता होते हैं ना ये भरोसे के नहीं होते, इनको कुछ नहीं बताना चाहिए। अरे यार बता दे बता दे, प्लीज बता दे बता दे, मंत्री को बता दे, तो उसको तो नहीं बताएगा। अरे नहीं बताऊंगा यार, ऐसी बात है। हाँ क्या, ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है, ऐसा चक्कर चल गया सृष्टि में कि इस समय पे जो फांसी पे चढ़ेगा, जो मरेगा सीधा स्वर्ग में जाएगा। चढ़ा देंगे, इसमें क्या है, आपकी बात तो मानना हमारा फर्ज है। चढ़ा दिया जाए कि नहीं चढ़ा दिया जाए?